अप्रैल जेई मेन 2023 का आपका शिफ्ट वन और शिफ्ट टू कंप्लीट हो चुका है ओके। और बहुत सारे लोग को ये डाउट होगा कि भैया पेपर वन जो शिफ्ट वन में हुआ था और शिफ्ट टू में 11th अप्रैल का पेपर कैसा था, मॉडरेट था या मॉडरेट से ज़्यादा टफ था, क्योंकि बहुत सारे लोग को टफ भी लगा है, बहुत सारे लोग को मॉडरेट भी लगा है ओके। सो इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक डिस्कस करेंगे आपके मार्क्स वर्सेस पर्सनल दोनों शिफ्ट का ओके। और मैं सारा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी डिस्कस करूंगा कि आपके पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट, कौन सा टफ ओके। और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपके काउंसलिंग भी करने वाले हैं और नीचे मैंने काउंसलिंग ग्रुप का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो ओके। तो पहली बात करते हैं 11th अप्रैल का शिफ्ट वन ओके। तो 11th अप्रैल का शिफ्ट वन का जो फिजिक्स का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, तो आप उसको इजी टू मॉडरेट में कैटेगराइज कर सकते हो। केमिस्ट्री वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, मैथ्स वाज ऑफ लेंथी एंड टफ, यू कैन से दैट कि मैथ्स काफ़ी लेंथी जा रहे थे ओके। अब बात करते हैं शिफ्ट टू, लाइक 11th अप्रैल का शिफ्ट टू का पेपर फिजिक्स वाज डिसेंट, आप इजी भी कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, आप कह सकते हो एक अच्छा खासा लेवल का फिजिक्स था ओके। केमिस्ट्री वाज ऑफ मॉडरेट प्लस, मॉडरेट से बेटर होगा, बहुत सारे लोग को काफ़ी लाइक मैंने शाम में रिव्यू लिया था तो बहुत सारे लोग जो 97-98% आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में, उनको लगा कि केमिस्ट्री वाज एट अ काइंड ऑफ लाइक मॉडरेट प्लस कह सकते हो आप ओके। मैथ्स वाज अगेन टफ साइड ओके, लाइक मॉडरेट टू टफ साइड में आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करें 11th अप्रैल का शिफ्ट वन तो मॉडरेट, एंड 11th अप्रैल का शिफ्ट टू मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा ओके। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपके 99% शिफ्ट वन के लिए, तो 180 मार्क्स, 98, 165, 97, 145, 96, 135, 95, 125, 94, 115, 93, 105, 92, 95 मार्क्स, 91% अप्रॉक्स 90 मार्क्स, और 90% लगभग 85 प्लस ओके। अगर ऐसे आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपके परसेंटाइल ऐसे बन सकते हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट टू में, तो शिफ्ट टू में लगभग 99% के लिए 176 से 180 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो बन सकते हैं। 98, 160 प्लस, 97, 140 प्लस, 96, 125 से 130 ओके, 95, 115, 94, 105 के आसपास, 93, 95 प्लस मार्क्स, 92, 90 प्लस मार्क्स, 91, 82 प्लस, और 90% की बात करें तो लगभग 76 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपके ऐसे परसेंटाइल बन सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये वाला शिफ्ट जो 11th वाला था वो थोड़ा सा बेटर था बाकी सारे शिफ्ट से ओके, और काइंड ऑफ कह सकते हो कि टफेस्ट पेपर में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो ओके। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल और भी इंक्रीज हो जाए, तो आप पहले से अवेयर है ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।